पटियाला जिले के स्कूलों के कोरोना के मामले हुण लगातार एक बार फिर बढ़ रहे हैं। पटियाला जिले के स्कूलों में कोरोना के वधे मामले सामने आए हैं। सनौर हल्के के ही सरकारी स्कूल पुनरहेड़ी के चार अध्यापक कोरोना पॉजिटिव निकले ने। पुनरहेड़ी स्कूल का कैंटीन वाला भी कोरोना की लपेट में आ गया है, उसनू भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। राजपुरा के सरकारी स्कूल महेंद्रगंज के भी चार अध्यापकों को कोरोना होया। दोहां ही स्कूलों को बंद करने का हुण हुक्म दिता गया, सो जिस नाल स्कूल जरूर खोल दिए गए हैं, लेकिन हुण एक बार फिर तो मामले जिहड़े ने वह सामने आ रहे हैं। पटियाला जिले के स्कूलों के कोरोना के वधे मामले के केस जिहड़े सामने आए हैं। सनौर हल्के के ही सरकारी स्कूल पुनरहेड़ी में चार अध्यापक कोरोना पॉजिटिव निकले ने। दस दिए कि पुनरहेड़ी स्कूल के कैंटीन वाले की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उधर राजपुरा के सरकारी स्कूल महेंद्रगंज के भी चार अध्यापकों को कोरोना होने की पुष्टि हुई है। सोना बढ़ रहे केसों को देखते हुए फिलहाल दोहां ही स्कूलों को बंद करने का हुक्म दिया गया। सरनल गगनदीप आहूजा पटियाला तो जुड़ चुके हैं। गगनदीप जी, जिस तरह के नाल स्कूल जरूर खोल दिए गए, लेकिन हुण एक बार फिर तो केसिस दे विच इजाफा जिहड़ा है देखण नूं मिल रहा है कोरोना दे, अजे विचकार हुण किस तरह दे नाल अगे इत्थे टेस्टिंग हो रही है, क्या स्कूल किन्ने दिनां लई बंद कीते गए ने? जी राधा, स्कूल सिर्फ खोले ही नहीं गए, स्कूल फुल टाइम लई खोल दिए गए ने। अज तो पंजाब सरकार वल्लों सवेरे 9 बजे तो लैके 3:20 तक स्कूल खोलण दा फैसला कीता गया, अज तो स्कूल खुल भी गए ने। इस तों पहला 10 बजे तो लैके 2:30 बजे तक दा समां सीगा, पर पंजाब सरकार वाले फैसला जिहड़ा उन्हां नूं बैकफायर हुंदा नजर आ रहा, क्योंकि पटियाला जिले विच जिहड़े कोरोना दे मरीज ने, पीड़ित ने, अध्यापक, उह वी वाधा हो रहा। जिवें तुसीं गल दस्सिया हैगा, पुनरहेड़ी अते महेंद्रगढ़ राजपुरा च जिहड़े चार चार अध्यापक आए ने। इस तों पहला भांकर दे स्कूल च वी सारा स्टाफ ही इक तरीके नाल पॉजिटिव आ गया, जद के स्कूल नूं अड़मे तां समें लई बंद कीता गया। इन्हां दोनां स्कूलां नूं 48 घंटे लई बंद करन दा कहा गया, और स्कूल नूं सैनिटाइज करन दे वी डिप्टी जिहड़े डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैगे ने उहनां वल्लों हदायत कीती गई है। हुण वेखण वाली गल है किस तरीके नाल बच्चे जिहड़े ने, बच्चे जे आपां स्कूल स्ट्रेंथ इन्नी वध गई है, सरकारी स्कूलों स्ट्रेंथ इन्नी वध गई है, स्कूल बिल्डिंग है नहीं, स्टाफ है नहीं गा कि स्कूल च अलग अलग जिहड़े डिस्टेंस ते बिठाए जाण, नहीं तो स्कूल च इको कमरे च बिठाना पैंदा, एडे बच्चे बढ़ चुके ने, क्योंकि मजबूरन सोशल डिस्टेंसिंग है जी, उहदियां धज्जियां उड़दियां स्कूलों में दिखाई दे रही ने, और जिहड़ा कोविड की पालना नहीं हो सकती जिस तरीके नाल स्कूल सरकार खोलण जा रही है। हुण वेखण वाली गल है, सरकार वल्ले हैल्थ सेहत विभाग ने भी बड़ी चिंता जाहिर की है कि जे अजिहा काम चलता रहा तो आउंदे समय तक स्कूल सारे बंद होण दी भी जिहड़ी हदायत है सेहत विभाग एजुकेशन विभाग नूं कर सकदा है। इसे लिए रोकण की लड़ है, कोरोना रोकण की लड़ है, बच्चों की जागरूकता नहीं हो सकती, बच्चे चंचल होंगे ने, एक दूसरे नाल खेड़ते हैं, आप इंटरमिक्स होंगे ने, जे घर च रहन गए जां डिस्टेंस से रहन गए उन्होंने ये कोरोना पॉजिटिव का अध्यापक साहबान से भी डबल बर्डन पै गया, एक पास स्कूल की क्लास लगा, दूजे पास ऑनलाइन क्लास जी बच्चे घर बैठने पढ़ना चाहते हैं उन्होंने किया जा रहा है। हूँ जब स्कूल सारे फुल स्ट्रेंथ में खोल दिता गया, फुल टाइम भी खोल दिता गया, तो ये स्वाभाविक है कि कोरोना पॉजिटिव जो केस थे वो बढ़ने का खर्चा जोड़ा है वो मंडरा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी गगनदीप। सो जिस तरह नाल मामले सामने आए ने, स्कूलों के अध्यापक पॉजिटिव पाए गए हैं, फिलहाल स्कूल जरूर बंद करते गए हैं, लेकिन इस नाल हुण मुश्किल एक बार फिर तो खड़ी होंदी हुई नजर आ रही है।